गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे साथ है भाई टीवीएस रॉनिन और पहली बार इस चैनल पे हम बाइक से ट्रिप करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाइक की डिलीवरी ले लेते हैं, उसके बाद ट्रिप पे चलते हैं भाई। शाम के 5 बजे हम पहुंच जाते हैं टीवीएस शोरूम। उसके बाद हमारे पास ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, जैसे हेलमेट, फेस कवर, की चेन और ये मग। जाना है कि रुकना है बता दो? जाना है, ठीक है फिर आप चले जाना। और फाइनली बाइक की पूजा शुरू होती है। और फिर परिवार के सारे सदस्य एक एक करके फोटो निकालते हैं। और अब हम आ जाते हैं मंदिर पर एक और पूजा करने। और इस आखिरी रस्म को पूरा करके हम निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं गोनी ढाबा डिनर करने। और भाई ये जगह हमारा फेवरेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ का सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ओवरऑल यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है भाई, तो ये जगह रिकमेंडेड है। एक बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आना। आज दूसरा दिन है तो हम प्लान करते हैं इस बाइक पे एक छोटा सा रोड ट्रिप और निकल जाते हैं लोनावाला के लिए। लेकिन किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब थी कि ये ट्रिप बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। सो गाइस, पहले तो हमारा प्लान था भाई लोहगढ़ फोर्ट जाने का, लोनावाला जाने का, बट अभी कैसा मराठा मोर्चा ना ख़त्म हुआ है मुझे लगता है, तो सब लोग ना रिटर्न अपने घर पर जा रहे हैं। तो भाई ट्रैफिक बहुत आगे के साइड में मिल रहा है, बहुत गाड़ियाँ हैं, तो लोनावाला में जाके फंस के कुछ ऐसा मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने अपना प्लान थोड़ा सा ना ड्रॉप कर दिया है। तो सामने यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टर्न ले लिए हैं, सामने मोरबे डैम दिख रहा है तो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अभी तो वहाँ पर ना थोड़ा धूप ज़्यादा होगा भाई, तो थोड़ा सा डिले करके हम लोग मोरबे डैम जाएंगे, यहाँ पर सनसेट वगैरह देखेंगे, उसके बाद यहीं से रिटर्न अपने घर पर चले जाएंगे। नहीं तो लोनावाला जाते थे भाई, आपको भी दिखा देते मस्त वाला व्यू। अभी लोनावाला जाके मतलब नहीं इतना, क्योंकि बहुत जितनी भी गाड़ियाँ मोर्चे में गई थी ना सब रिटर्न जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। घर से निकलते ही जैसे हम प्लस पा फाटा पहुँचे ना, वहीं पर हमको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल गया। तो आगे लोनावाला घाट रोड पे क्या होगा वो आप समझ सकते हो। तो हम अंदर जाके फंसने वाले नहीं हैं, प्लान अभी चेंज करके हम लोग जाएंगे मोरबे डैम पे। तो भाई ये सामने कौन सा स्टेशन है, ये नाम तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं बताता आपको कौन सा स्टेशन है। ये सामने भाई मोरबे डैम है, लेकिन अभी कैसा धूप है ना तो उतना क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। अपन आगे तक जाएंगे, थोड़ा राउंड मार के आएंगे भाई ऐसे घूम के। अभी निकले हैं तो कहीं ना कहीं तो घूमेंगे। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग वाला रोड अपने को मिलेगा, बस ऐसे अपन अभी राइड पे निकले भाई नई नई बाइक लेके। अभी ऐसे घूमेंगे, घूम के और शाम तक वापस से घर पे चले जाएंगे। मस्त प्लान था भाई लोनावाला जाने का, बट ठीक है ये वाला जगह भी बहुत बुरा नहीं है। मोरबे डैम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है भाई ये जगह, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पहले, मुझे तो बहुत सही लगती है। अभी यहाँ से मैं जितनी बार यहाँ पर आया हूँ ना कार से आया हूँ, तो बाइक से मैं पहली बार यहाँ पे, मतलब बाइक तो मैं बहुत टाइम बाद चला ही रहा हूँ। राइट साइड में पूरा डैम है भाई, थोड़ा सा इस समय सूखा पड़ा है, बट जगह है काफ़ी ज़्यादा सही भाई। और मैं जितनी बार भी आया हूँ ना तो यहीं तक आया हूँ भाई, इसके आगे नहीं गया हूँ। तो आज हम ना थोड़ा सा आगे तक जाने वाले हैं, देखते भाई आगे की साइड में क्या है। तो यहाँ से भाई रास्ता थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग वाला है, मतलब गाड़ियाँ आती रहेंगी इसलिए रास्ता है ये, बट ऐसा प्रॉपर अगर फोर व्हीलर से आ रहा है कोई तो प्रॉपर बाइक चाहिए यहाँ के लिए, 4x4 कार चाहिए। मतलब बाइक के लिए भी ठीक है बट है थोड़ा रिस्की है। ये देखो सामने डीप है थोड़ा, बाइक में मुझे लगता है ना 8-10 साल बाद चला रहा हूँ भाई। और ये जो बाइक है ना थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी है, तो इसलिए ऐसे रास्तों पे ये ईज़िली चल सकती है भाई। बारिश में ये जगह बहुत ही ज़्यादा सही हो जाती है भाई, और बारिश में इधर क्राउड भी होता है। इस समय तो लोकल गांव वालों के अलावा कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे।
भाई देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है, थोड़ा ट्राई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा शाम को आते ना, अभी मतलब 2:30 बजे भाई, तो धूप ना थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी आगे चल के देखते हैं भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है, उसके बाद फिर अपन रिटर्न आ जाएंगे। बाकी ऐसे इंजॉय के लिए जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा बाइक राइड कर लेंगे। बाकी मैं बाइक को आराम से ही चला रहा हूँ, ज़्यादा ऐसा ज़ोर ज़ोर से नहीं चला रहा हूँ। बाकी आगे से और भी तो लोग दिख रहे हैं आते हुए भाई, हम अकेले ही नहीं हैं। सो गाइस ये वाले रास्ते से आते आते ना गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा छाया था। बाकी टाइम अभी दोपहर का समय है, तो भाई धूप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही किधर डैम के साइड में जा नहीं सकते क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। और डैम का ये एंड वाला पॉइंट है भाई, और मेन जो डैम है ना उस साइड में है। बाकी ये रास्ता यहीं पर एंड हो जाता है, नहीं तो और भी आगे जाते थे अपन। और अभी फ़िलहाल यहाँ से रिटर्न जाएंगे गाइस, अभी दूसरे वाले लोकेशन पे, अभी देखते हैं वो कहाँ पर जाते हैं। बाकी गाड़ी सही चलती है भाई, इन उबड़ खाबड़ रास्तों में भी ना थोड़ा बहुत सही चलती है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा बहुत, पूरा तो ऑफ रोडिंग नहीं है बट थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी गाड़ी बनी है। और अभी नई नई गाड़ी है तो इसको मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, एक बार इसकी सेकेंड या थर्ड सर्विसिंग होने के बाद इसको थोड़ा सा भगाएंगे। अभी 40-50 यही चल रहा हूँ भाई, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी सही है भाई चलाने में गाड़ी। एक और लोकेशन है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर उस साइड में भी डैम्स वगैरह हैं, तो उधर जाते जाते मे बी हमको शाम हो जाए, तो उधर का व्यू आपको चल के दिखाते हैं। अभी तो कितना 2:30 बजने वाला है ना, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि 4-4:30 बज जाएंगे, उसके बाद एक आध घंटे में शाम भी हो जाएगी, तो मस्त वहाँ पर घूमेंगे, उसके बाद वापस वहाँ से घर पर जाएंगे। तो बाइक का जो एक्सपीरियंस ना गाइज वो आगे मैं आपसे शेयर करते रहूँगा, तो वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिए लास्ट तक। अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी यहाँ से दूसरे वाले लोकेशन पर चलते हैं, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा धूप है कि रुकने का कुछ मतलब नहीं है। बाकी अगर शाम होती तो मज़ा आता यार। बाकी ये रास्तों में ये बाइक टेस्ट हो गई भाई, सही चल रही, उतना उबड़ खाबड़ फील नहीं हो रहा है। ये देखो रास्ते, ये रास्ते है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन अपनी गाड़ी इस वाले रास्ते पर सही चल रही भाई। तो यहाँ से भी निकलते और जाते दूसरे वाले लोकेशन पर, वहाँ पर भी डैम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर चल के एक बार आपको दिखाते हैं। क्रीम वाला पैसे काका, क्रीम वाला, हाँ क्रीम वाला पैसे। सो भाई यहाँ पर रुक गए थे, एक शॉप थी, यहाँ पर थोड़ा पानी बिस्किट पियेंगे क्योंकि धूप में ना चेहरा भी लाल हो चुका है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है। बाइक से एक्चुअली चलने की आदत नहीं है, जब भी हम लोग निकलते थे कार से निकलते तो आदत नहीं है भाई, हैबिट नहीं है, तो प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है। और ये धूप कार में होने के बाद तो पता नहीं चलता भाई कि मतलब बाहर क्या टेम्परेचर है। गाँव से नाम चौक, चौक 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 रेलवे स्टेशन है ना। नवीन वासन संग में हम ये दावा कर लोकल जो इधर आ जाते ना आली का, तब नवीन वासन बोल रहा हूँ नाउ। चला काका ये तो गाइज़, अभी हम लोग ना वाइस सिटी के अंदर आ चुके हैं भाई, और यहाँ से अंदर जाने के बाद ना बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। ये माउंटेन के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग, और थोड़ा पास में जा रहे हैं गाइज़। बारिश में ना ये जगह बहुत ही ज़्यादा सही हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बार आया हूँ भाई, एक बार क्या 2-3 बार आया हूँ यहाँ पर बारिश में, तो बारिश में ये जगह बहुत ही तगड़ी दिखती है। सो गाइज़ एक बार ये माउंटेन देख लो भाई, ये वही माउंटेन है जो भाई माथेरान के इको पॉइंट से दिखता है, ये इसका अपोजिट वाला साइड है भाई। तो ये माउंटेन इतना हाइटेड है कि ना मेरे बेडरूम से दिखता है भाई, मेरे घर, मेरा जो घर है ना पनवेल का, वहाँ से बेडरूम से ये वाला माउंटेन दिखता है। तो ये देख लो भाई एक बार, और यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ पे एक्चुअली मैं आ चुका हूँ, पहले भी आ चुका हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। बारिश में ये जगह बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिखती है भाई, और यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह भी होता है, वो आगे से किधर से तो होता है, प्रॉपर ट्रैक करके आप ऊपर जा सकते हो। तो भाई यहाँ का जो डैम था वहाँ पर हम लोग पहुँच तो गए, लेकिन वो उतना कुछ खास नहीं लग रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की साइड में आ गए हैं। बाकी यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह तो बहुत है भाई, बंगलोज रिजॉर्ट वगैरह बहुत हैं,
बाकी व्यूज़ इधर ना बहुत अल्टीमेट व्यूज़ है भाई, मतलब कोई गांव टाइप का एरिया है लेकिन चारों तरफ से पूरा माउंटेन है। और अभी फ़िलहाल तो हम किसी हिल स्टेशन के ऊपर अभी जा रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी थी और यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने निकाले। बाकी सामने भाई चांदेरी गढ़ है, इसको चांदेरी किला भी बोलते हैं। और इसका ट्रैकिंग ऊपर, मतलब बता रहे थे कि ऊपर गुफा टाइप का है और यहाँ से भी ट्रैकिंग होता है। और इसके बैक साइड में ना बदलापुर है, तो वहाँ से मेन ट्रैकिंग होता है इसके लिए, तो यहाँ से भी लोग जाते हैं। बट इसका यहाँ से जो ट्रैक है ना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी उस साइड में जो आते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं, बदलापुर साइड से भी मेन ट्रैक होता है वही है भाई। बाकी ये रोड आके ये एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी इसके जस्ट उस तरफ ना डैम है, बट डैम ना इस समय पूरा सूखा पड़ा था तो उतना कुछ व्यू नहीं आ रहा था। सो गाइज़ ये कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बस हमने कल बाइक की डिलीवरी ली थी और हमारा मन था कि ये बाइक पे एक छोटा सा रोड ट्रिप किया जाए, तो बाइक लेके हम लोग ऐसे ही छोटे से ट्रिप पे निकल गए। और कोई प्लेस डिसाइड नहीं है कि हमको कहाँ पर जाना कहाँ पर नहीं जाना है, मतलब रास्ते में जो भी डिसाइड हो रहा है वहाँ पर हम जा रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ से भी निकलते हैं और आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं भाई, बहुत टाइम बाद, मतलब नहीं बोल के ना 10-12 साल बाद मैं बाइक चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे हाथ में बैठा भी नहीं है बाइक वगैरह जो भी है। बाकी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क करी है, यहाँ पे मैडम बैठ के इस व्यू को इन्जॉय कर रही है। बाकी साइड में पूरा थोड़ा बहुत खेती है, डैम उस तरफ है भाई। माउंटेन से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं ना, ये छोटा सा कोई तो एक गांव है, बाकी इस गांव में भाई रिजॉर्ट हो गए हैं, बाकी बंगलोज हो गए, वो सब बहुत है। ये लेक भाई यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह का कुछ दिखता है। बाकी यहाँ पर रुकने के लिए ऐसा प्रॉपर जगह नहीं है और ये लेक सूख भी गया है भाई, तो यहाँ पर रुकने का ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। अभी यहाँ से निकलते हैं आगे। भाई इसके सामने से अभी आपको ना जो डैम का व्यू है थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा भाई, बाकी जो ऊपर का माउंटेन है उसका व्यू तगड़ा आ रहा है। बाकी यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और रास्ते में किधर रुक कर चाय पियेंगे भाई एक बढ़िया वाली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी एक छोटा सा रोड ट्रिप था भाई हमारी नई TVS Ronin पे,